हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एडिटोरियल पॉइंट्स में। तो आज हम लोग आईपीसी देखने वाले हैं। तो आईपीसी जो है हमारा, उसके सेगमेंट में हम लोग देखेंगे एलिमेंट्स ऑफ क्राइम। ये आईपीसी का मेरा फर्स्ट लेक्चर है जिसमें हम लोग देखने वाले हैं एलिमेंट्स ऑफ क्राइम। जो एलिमेंट्स ऑफ क्राइम है हमारा, उसका सिनॉप्सिस इस प्रकार है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कंसेप्ट ऑफ क्राइम, उसके बाद उसमें केस देखेंगे इन सेवेक पेरुमल वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु AIR 1991। उसके बाद डेफिनेशन ऑफ क्राइम देखेंगे। डेफिनेशन ऑफ क्राइम में हम लोग बेंथम को देखेंगे, स्टीफन को देखेंगे, ब्लैक स्टोन को देखेंगे। फिर नेक्स्ट हमें बताना है व्हाइट कलर क्राइम। व्हाइट कलर क्राइम में हम लोग सतनाम रिपोर्ट जो थी हमारी वो देखेंगे, सतनाम कमेटी का जो रिपोर्ट आया था व्हाइट कलर क्राइम के ऊपर। उसके बाद इंसेंशियल इन्ग्रेडियंट जो होती है हमारी, इंसेंशियल इन्ग्रेडियंट को देखेंगे एलिमेंट्स ऑफ क्राइम में। तो इसमें जो इंसेंशियल इंग्रेडिएंट है, पहला हमारा पर्शन जो सेक्शन 11 में डिफाइन किया गया है आईपीसी के, उसको भी देखेंगे हम लोग। फिर इसमें केस आता है स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस सिंडिकेट ट्रांसपोर्ट कंपनी लिमिटेड AIR 1964 का केस देखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं एक्टस रिया एंड मेंस रिया। जो एक्टस रिया भी देखेंगे, उसके बाद मेंस रिया को देखेंगे। और मेंस रिया यहाँ पर जो है, कोई भी क्राइम को कमिट करने के लिए मेंस रिया का क्या रोल होता है उसको बखूबी समझने की कोशिश करेंगे। और इसमें हमारा दो लैटिन मैजीम है, एक्टस नन फैसिट रेम निसी मेन सिट्री, या द एक्ट इटसेल्फ डज नॉट मेक अ मैन गिल्टी अनलेस हिज इंटेंशन वाज सो। और दूसरा सेकंड मैजीम है हमारा, सेकंड जो लैटिन मैजीम है, एक्टस मीन वीटो फैक्टस नन इसेट मीन्स एक्टस विच मीन्स एन एक्ट डन बाय मी अगेंस्ट माय विल इज नॉट माय एक्ट एट ऑल। तो उसको भी हम लोग देखेंगे। फिर इसका जो बेसिस था हमारा, जो एक्टस नन फैसिट रेम निसी मेंस सिट रिया, वो केस में जो है, कौन से केस में ये हेल्ड हुआ था और उसमें जो लॉर्ड एवेंजर ने क्या कहा था, आर वर्सेस ऑल्डे का केस देखेंगे। ये बहुत ही लीडिंग केस है और लगभग जो प्री वाले बच्चे हैं, जो प्री की तैयारी कर रहे होंगे, इस केस को नोट कर लेंगे, क्योंकि इस केस को हमेशा पूछा जाता है प्री के एग्जाम में। जहाँ भी जिस भी स्टेट कमीशन के एग्जाम में अगर आपका आईपीसी सब्जेक्ट में होगा, वहाँ ये क्वेश्चन जरूर से जरूर पूछा जाता है कि किसने कहा था। ये जो बेसिस हमारा मैगजीम का, एक्टस नन फैसिट रेम निसी मेंस सिट रिया, उसमें उसने और उसमें जो लॉर्ड एवेंजर थे उन्होंने ये कहा था। तो आर वर्सेस ऑल्डे में इसको ऑब्जर्व किया गया था। तो ये आप याद रखेंगे, हमेशा पूछा जाता है। फिर नेक्स्ट हम लोग देखने वाले मेंस रिया, गिल्टी माइंड को और मोटिव को समझेंगे। जैसे कि मैंने इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट में सेक्शन 7 में थोड़ा सा डिटेल में हम बताने की कोशिश की थी कि जो मोटिव होती है कि व्हाई द पार्टिकुलर एक्ट वाज डन, कोई पार्टिकुलर एक्ट है उसको क्यों किया गया, उसके पीछे क्या रीजन है, क्या मोटिव हो सकता है। लेकिन जहां पर आपका मेंस रिया होगा जहां पर, तो वहां पर जो है मोटिव जो होगा वो क्या हो जाएगा, इमेटेरियल हो जाएगा। जहां पर डायरेक्ट एविडेंस होगा, जहां पर भी इंटेंशन आपको दिखेगा, वहां पर जो है जो मोटिव होता है वो इमेटेरियल हो जाता है। इसको भी समझेंगे हम लोग। उसके बाद हम लोग देखेंगे व्हेन मेंस रिया नॉट इंसेंशियल, कब मेंस रिया होती है, मेंस रिया के एब्सेंस में भी कुछ कुछ क्राइम ऐसे हैं हमारे इंडियन पेनल कोड में जो कि पनिशेबल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल वेजिंग वार हो गए, सेडिशन हो गए, जिसको आप लोगों ने बखूबी समझा होगा या आपने अपने LLB के दरमियान पढ़ रखा होगा। तो ये सब ऐसे क्राइम्स हैं, काउंटरफिटिंग क्वाइन सेक्शन 232, तो ये सब ऐसे क्राइम है हमारे इंडियन पेनल कोड के जहां पर मेंस रिया एब्सेंस होता है वो फिर भी वहां पर वो पनिशेबल होता है। मेंस रिया के एब्सेंस में ये कभी क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल किडनेपिंग, अबडक्शन, किडनेपिंग 359 आईपीसी का जो हमारा सेक्शन है 359, वहां पर किडनैपिंग दिया गया है। और जो किडनैपिंग में जो होता है वो क्या होता है, मेंस रिया, आपका जो इंटेंशन होता है वो क्या होता है, इमेटेरियल होता है। आप जो है अबडक्शन 363, आपको पता होगा अबडक्शन 363, उसमें भी क्या होता है, मेंस रिया एब्सेंस होता है। और अदर एग्जांपल आपको लेना है तो स्टिक लायबिलिटी हो गई, जो स्टिक लायबिलिटी हो गई इसको हम लोग नो फॉल्ट लायबिलिटी कहते हैं। और जो बच्चे टॉट पढ़ रखा होगा, जो बच्चों ने, उनको पता होगा, जो भी हमारे साथी अगर टॉट आपने पढ़ रखा होगा तो ये आपको पता होगा स्टिक लायबिलिटी के बारे में कि लैन एंड फ्रेजर केस में इसका ओरिजिन हुआ था, उसी केस में इसको डेवलप किया गया, वैसे प्रिंसिपल निकल के आया था। स्टिक लायबिलिटी हो गई, एब्सोल्यूट लायबिलिटी हो गई।
एमसी मेहता केस भी पता होगा, खैर उधर नहीं जाना हम लोग को। फिर हम लोग देखेंगे नेक्स्ट इंजरी, इंजरी है जो सेक्शन 44 को बताने वाले हैं, जो हमारे आईपीसी में बताया गया है उसमें क्या डिफाइन किया गया है उसको देखेंगे। फिर लास्ट जो सिनॉप्सिस हमारा, ऑब्जेक्ट अगेंस्ट हुम द क्राइम इज कमिटेड, फिर हम लोग इसको देखेंगे और हम लोग ये टॉपिक को कंप्लीट कर लेंगे। थोड़ा सा ये लेक्चर लंबा जाने वाला है, क्योंकि देखिए आपको हम मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी करा रहे हैं, और अभी तक आपने जितने भी यूट्यूब चैनल आपने देख रखे होंगे, कोई भी आपको मेंस की तैयारी के बारे में नहीं बताता है। सब लोग आपके प्री के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाते हैं, और प्री निकाल के आप कुछ नहीं कर सकते हो, प्री निकाल के निकालने के बाद भी आप जीरो हो, ठीक है। तो इसलिए मेरा अपना मानना है कि आप जो है प्री की तैयारी के साथ साथ आप जो है मेंस का तैयारी करें। पहले आप मेंस का पढ़ना स्टार्ट कर करके, मेंस जब पढ़िएगा आप, जब किताब पढ़िएगा तो आपको कंसेप्ट समझ में आएंगे, और कंसेप्ट जब समझिएगा तो प्री तो अपने आप निकल जाएंगे। क्वेश्चन आपके यहीं से बनते हैं, अब यहीं सी में से पूछ दिया जाएगा, आर वर्सेस ओल्ड लॉर्ड एवेंजर ने क्या कहा था, इस किस में क्या हेल्ड हुआ था, कौन सा मैगजीन को उसमें लेट डाउन किया गया था, ये आपसे यहाँ से पूछ देंगे। कौन सा ऐसा क्राइम है जिसमें मेंसरिया जो होती है अब्सेंस होती है, वहां पर इलस्ट्रेशन डाल देंगे, किडनैपिंग डाल देंगे, अबडक्शन डाल देंगे, आपका वो 232 डाल देंगे, काउंटरफिटिंग कॉइन डाल देंगे, और आप लोग को यहीं से बताना होगा। अगर आप मेंस की तैयारी करते हुए और उसके साथ साथ टाइम निकाल कर आप थोड़ा सा प्री को भी देखते हो तो आपका बखूबी अच्छे से तैयारी होगा। और जो भी बच्चे को रियल में क्वालिफाई करना है तो मेरा ये खुद का मानना है कि आप पहले मेंस की तैयारी स्टार्ट करो, और साथ बाई साथ 2 घंटे 1 घंटे टाइम आप बांट लो, जिससे आप प्री का भी देखते चलो। लेकिन 1 या 2 पेपर को ऐसे आप लेके आगे बढ़ो जिससे आपका मेंस का तैयारी बखूबी हो पाए। तो आइए हम लोग देखते हैं हमारा जो फर्स्ट सिनॉप्सिस है, कंसेप्ट ऑफ क्राइम। इंडियन पैनल कोड इज नथिंग बट लॉ ऑफ क्राइम्स। जो हमारा इंडियन पैनल कोड है वो क्या है, एक तरह का लॉ ऑफ क्राइम्स है। इंडियन पैनल कोड डज नॉट डिफाइन क्राइम। जो इंडियन पैनल कोड है हमारा क्राइम को डिफाइन नहीं करता है, इट रादर यूजेस द टर्म ऑफेंस। बट ये क्या है, जो ऑफेंस वर्ड है सेक्शन 14 में, इसको बस ये क्या करता है, इंक्लूड करता कुछ टर्म्स को बताया गया इसमें सेक्शन 40 में। आगे देखते हैं, टिल डेट वी डू नॉट हैव अ सेटिस्फैक्टरी डेफिनेशन ऑफ अ क्राइम। अगर हम लोग आज के समय बात करें तो कोई किसी भी तरह सेटिस्फैक्टरी जो डेफिनेशन होना चाहिए क्राइम का, वो अभी तक नहीं दिया गया, बिकॉज इट इज नॉट पॉसिबल टू डिफाइन क्राइम। क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है क्राइम को डिफाइन करना, क्यों, क्योंकि That would include acts and omission deemed to be a criminal. एक जगह पर जो है कोई भी ऐसा acts या omission हो सकता है वो criminal हो सकता है, लेकिन वहीं दूसरी जगह पर वो क्या होगा, वो criminal नहीं हो सकता। For example, आप देख सकते हैं adultery, कुछ दिन पहले तक adultery जो था इंडिया में वो क्या था, क्राइम था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको decriminalize कर दिया। अब ये आपका ड्यूटी है कि ये बताएं हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर इसको किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने डिक्रिमिनलाइज किया, एडल्ट्री को डिक्रिमिनलाइज कौन से केस में किया गया है। और लगभग अभी हर एग्जाम में जितने भी जो जुडिशरी या एपीयू या जस्टिस का भी एग्जाम होता है, जहां भी आपके आईपीसी सब्जेक्ट होंगे वहां हर जगह ये पूछे जाते हैं। इवन क्लैट का जो तैयारी करते हैं या जो अदर कंपटीशन एग्जाम जितने भी होते हैं लॉ से रिलेटेड, उसमें ये क्वेश्चन अभी तक ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें नो डाउट आपसे ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और इसलिए आपका ड्यूटी है हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर इसे बताना कि इन विच केस द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट डिक्रिमिनलाइज सेक्शन 497 ऑफ द इंडियन पैनल कोड। आपको ये बताना है कि किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने एडल्टी को डिक्रिमिनलाइज कर दिया। अब आते हैं अपने थ्योरी पर। तो हमारा जो ये था कंसेप्ट ऑफ क्राइम के ऊपर हम बता रहे थे, जो कंसेप्ट ऑफ क्राइम में कुछ समय पहले तक देखा जाए तो एडल्टी को क्या किया गया था, एडल्टी हमारे यहाँ पर क्राइम था, कुछ दिन पहले तक ये क्या था, डिक्रिमिनलाइज नहीं किया गया था। लेकिन उसी वक्त अगर देखा जाए तो ये जो वेस्टर्न कंट्रीज थे, इंग्लैंड थे, वहां पर इसको क्रिमिनल ऑफेंस नहीं कंसिडर किया जाता था। आप देख लीजिए, दूसरा एग्जाम्पल आप बाइगेमी का ले सकते हैं। तो बाइगेमी
हमारा जो हिंदू लॉ आने से पहले जो बाइगेमी भी था वो क्या था, ऑफेंस नहीं था, बट जैसे ही जो इसके लिए जो रूल बनाया गया, जब लेजिस्लेचर ने रूल लेकर आया, लॉ लेकर आया, तो इसको भी क्रिमिनलाइज कर दिया गया। ये बाइगेमी ऑफेंस है 494 में, आपने पढ़ा होगा आईपीसी में, ठीक है। लेकिन कुछ सोसाइटी ऐसे भी है जहां पर ये क्या है, वहां पर अभी भी ये रॉन्ग नहीं है, बट इवन टूडे दे आर सर्टेन सोसाइटीज दैट फाइंड नथिंग ऑन इन रॉन्ग इन बाइगेमी। तो हम लोग देखते हैं केस इन सेवक पेरुमल वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु AIR 1991। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया था, द सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व दैट क्राइम इज अ सोशल फेनोमेना विच अराइजेज फर्स्ट व्हेन ए स्टेट इज ऑर्गेनाइज। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि क्राइम जो है हमारा वो क्या है, एक तरह का सोशल फेनोमेना है जो अराइज होता है जब स्टेट ऑर्गेनाइज होती है, और जब स्टेट ऑर्गेनाइज होती है, जब स्टेट जब आपकी ऑर्गेनाइज होगी तो वहां पर पीपल लोग क्या करेंगे, जो बुद्धिजीवी वर्ग होगा वो क्या करेगा, अपने कन्वीनियंस के अनुसार रूल मेड करेगा। तो यहाँ पर पीपल जब रूल सेट करते हैं और जो रूल्स को ब्रेक करते हैं उसी को हम लोग क्राइम कहते हैं, समझ में आया। सुप्रीम कोर्ट ने सेवक पेरुमल वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु में AIR 1991 में यही कहा गया कि द सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व दैट क्राइम इज अ सोशल फेनोमेना विच अराइजेस फर्स्ट व्हेन स्टेट इज ऑर्गेनाइज्ड, पीपल सेट अप रूल्स ब्रेकिंग ऑफ विच वाज कॉल्ड क्राइम। तो सबसे पहला मतलब जो एक अप्रोच था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्राइम को डिफाइन करने का, वो इसी केस में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया गया था। अब आते हैं डेफिनेशन ऑफ क्राइम में। डेफिनेशन ऑफ क्राइम हमें बताना बेंथम साहब का। हमारे जो बेंथम साहब है वो क्या कहते हैं, ऑफेंसेज आर व्हाट एवर द लेजिस्लेचर हैज प्रोहिबिटेड फॉर गुड और फॉर बैड रीजन। अब बेंथम साहब को आप ये से याद रखना कि ऑफेंसेज आर व्हाट एवर द लेजिस्लेचर हैज प्रोहिबिटेड फॉर बैड और फॉर गुड रीजन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं ब्लैक स्टोन साहब क्या कहते हैं। तो ब्लैक स्टोन साहब कहते हैं क्राइम इज एन एक्ट डन इन वायलेशन ऑफ पब्लिक राइट्स एंड ड्यूटी। ब्लैक स्टोन साहब थोड़ा सा जो है ना अपना अप्रोच बनाने की कोशिश करते हैं कि जो है क्राइम जो है क्या, उन्होंने बताया क्राइम इज एन एक्ट डन इन वायलेशन ऑफ पब्लिक राइट्स एंड ड्यूटीज के बारे में उन्होंने बताया। लेकिन जो स्टीफन साहब है इनसे रहा नहीं गया, ये थोड़ा सा मॉडिफाई करके चले आए इन्होंने कहा क्या कि इट इज एन एक्ट डन इन वायलेशन ऑफ पब्लिक राइट्स ओनली। स्टीफन साहब जो थे जिन्होंने कहा था क्या कि जो इट इज एन एक्ट क्राइम के बारे में उन्होंने डिफाइन करने की कोशिश की थी, और उन्होंने कहा था क्या कि क्राइम इज एन एक्ट डन इन वायलेशन ऑफ पब्लिक राइट्स ओनली, और पब्लिक राइट्स एंड ड्यूटीज के बारे में किसने कहा था, ब्लैक स्टोन साहब ने कहा था। अब आते हैं स्टीफन साहब, एक स्टीफन साहब का भी नेक्स्ट फिर उन्होंने डिफाइन किया था, और इन्होंने कहा था क्या, क्राइम इज एन एक्ट फॉरबिडन बाय लॉ, क्राइम इज एन एक्ट फॉरबिडन बाय लॉ एंड विच इज एट द सेम टाइम रिवोल्टिंग द मोरल सेंटीमेंट ऑफ द सोसाइटी। अब देखिए ये हमेशा जो MCQ जो क्वेश्चन होता है आपका IPC का, उसमें ये पूछे जाते हैं कि जो इसमें चार नाम डाल दिया जाएगा, ब्लैक स्टोन का हो गया, स्टीफन का हो गया, हुदा का हो गया, ये सारे नाम डाल दिए जाएंगे जितने भी आपके उस समय के जो जुरिस्ट थे, और ये पूछा जाएगा कि ये कौन ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने ये चीज को डिफाइन किया था, किसने कहा था क्राइम एक्ट फॉरबिडन बाय लॉ एंड विच इज एट द सेम टाइम रिवोल्टिंग टू द मोरल सेंटीमेंट ऑफ द सोसाइटी। तो मोरल जो सेंटीमेंट है उसके बारे में स्टीफन साहब बात करते हैं, और आप ये याद रखना। और कभी जब हम प्री के लिए अगर IPC स्टार्ट करेंगे तो उसमें एक डेफिनेशन आता है टेरेंस मॉरिस का, ये भी बहुत पूछा जाता है टेरेंस मॉरिस, इसका डेफिनेशन भी हमेशा पूछा जाता है आपके प्री के एग्जाम में या जो अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं वहां पर, इन्होंने क्राइम के लिए क्या डेफिनेशन दिया था। नेक्स्ट सिनॉप्सिस है हमारा व्हाइट कॉलर क्राइम। द सत्ताम कमिटी रिपोर्ट फॉर द फर्स्ट टाइम अटैच्ड ग्रेट इंपॉर्टेंस टू द इमर्जेंस ऑफ ऑफेंसेस एंड मेल प्रैक्टिसेस नोन एज व्हाइट कॉलर क्राइम
विच वॉज ऑल्सो एक्नोलेज्ड बाय द 29th लॉ कमीशन रिपोर्ट इन 1972। आपको इसके ज्यादा डिटेल में नहीं जानना है किसने क्या रिकमेंडेशन किया, क्या कहा, बस एक लाइन में यही बताना कि जो सतनाम कमिटी रिपोर्ट है फर्स्ट टाइम जो है अटैच ग्रेट इंपॉर्टेंस टू द इमरजेंस ऑफ ऑफेंसेस एंड मेल प्रैक्टिसेस नोन एज व्हाइट कॉलर क्राइम विच वॉज, जिसको हमारा जो है जो 29th लॉ कमीशन रिपोर्ट 1972 ये भी एक्नॉलेज किया था। इसका एग्जाम्पल है आपका व्हाइट कॉलर क्राइम का सेक्शन 232 काउंटरफिटिंग इंडियन कॉइन, बस इतना बता दिए एनफ है। अब आज इंसेंसियल इंग्रेडिएंट देखते हैं, जो इंसेंसियल इंग्रेडिएंट है देयर मस्ट बी अ पर्सन टू कमिट द क्राइम। सेकेंड हमारे इंग्रेडिएंट है गिल्टी माइंड और मेंस रिया। थर्ड है एक्टस रिया, द एक्ट मस्ट बी इन फॉलोइंग द गिल्टी इंटेंशन, जिसको हम लोग एक्टस रिया बोलते हैं। फोर्थ रिजल्टेंट कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द इलीगल एक्ट दैट इज एन इंजुरी। सिंपल सी बात है, अब जब कोई क्राइम कमिट करते हो तो सामने वाला को इंजुरी होती है, कोई ना कोई तो लॉस सफर जो है इंजुरी को भी देखेंगे, जो सेक्शन 44 में इसको डिफाइन किया गया है वहां भी हम इसको अच्छे से बताएंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो लास्ट इंग्रेडिएंट है एन ऑब्जेक्ट अगेंस्ट होम द एक्ट इज कमिटेड एंड whom the injury in the injury is caused। उसके बाद जो है ये आपका essential ingredient हो गया। एक बाय एक करके हम लोग इसमें देखेंगे कि कौन से में क्या लिखना है। जैसे फर्स्ट में हम लोग पर्सन को डिफाइन करना है फर्स्ट वाले में, सेकेंड वाले हमको मेंस रिया को बताना है, ठीक है, उसके बाद एक्टस रिया को बताना है, मेंस रिया के बाद हम लोग एक्टस रिया को बताएंगे, एक्टस रिया के बाद इंजरी को बताएंगे, और इंजरी के बाद हम लोग बताएंगे जो उसका एन ऑब्जेक्ट अगेंस्ट होम द एक्ट इज कमिटेड टू होम द इंजरी इज कॉज्ड, उसको हम लोग बताएंगे। ये आपका इंसेंसिव इंग्रेडिएंट था जिसको मैंने यहाँ पर डिस्क्राइब किया है, और